हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम आ चुके हैं और आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम 7th ऑफ दिसंबर को स्केड्यूल किया गया है। मैं जानता हूँ 6th ऑफ दिसंबर को आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम स्केड्यूल किया गया है, तो आप कैसे प्रिपेयर करें इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। हम हर टाइप के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो बिल्कुल अभी तक प्रिपेयर्ड है अच्छे से एग्जाम के लिए, वो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो भी बच्चे जिन्होंने पढ़ा है वो भूल चुके हैं। तो हम बारी बारी से हर टाइप के बच्चों के बारे में बात करेंगे और कैसे अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाए उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के कैटेगरीज की। तो हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप को 3 ग्रुप के अंदर बांट दिया। फर्स्ट, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सारे चैप्टर जितने भी हुए हैं अच्छे से पढ़ रखा है, टर्म 1 के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, जस्ट उनको रिविजन का ज़रूरत है। सेकेंड ग्रुप वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक्स को किसी ज़माने में पढ़ा था, उनको पता है टॉपिक क्या है, लेकिन अब वही इतना टाइम हो चुका तो वो अब भूल चुके हैं उस टॉपिक को, तो उनको एक बार टॉपिक को गो थ्रू करना पड़ेगा और उनको रिवीजन की फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हम तीनों टाइप के बच्चों की प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे बेस्ट टू बेस्ट आप प्रिपेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने प्रिपेयर कर रखे हैं अपने चैप्टर्स, जस्ट उनको रिवीजन की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जो आपकी बुक्स है, जो आपने खुद हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, सेल्फ मेड नोट्स है जो आपके, उनको एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि वो बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो आप, जितना कोई भी वीडियो कोई भी बंदा आपको नहीं बता सकता। जितना क्विक रिवीजन आप खुद के नोट से करोगे उतना कभी भी कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। तो अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू करो, आपके सेल्फ मेड नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस डालता हूँ कि आप नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। वीडियो को समझो, टॉपिक को समझो, नोट्स खुद बनाओ, ओके। फर्स्ट थिंग आपको करना है कि आप अपने सेल्फ मेड नोट को एक बार गो थ्रू करके उन टॉपिक्स को मार्क करो, उन टॉपिक्स को पिक करो जिनके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसके वीडियो लेक्चर को देखो और उसी पोर्शन को देखो जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें क्लियर है, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे या अपने किसी भी टीचर के साथ बैठ के उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो और उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो हम जो सेशन करने वाले हैं 6th दिसंबर को 8 बजे हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर आपके सारे ही डाउट्स को हम कवर करने वाले हैं, ओके। ये टॉपिक को कवर करने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज MCQ को सॉल्व करना है, प्रिपरेटरी सीरीज को, जिससे क्या होगा आपको MCQs के बारे में पता चलेगा और उनको सॉल्व करने का एक तरीका भी आएगा, कैसे सॉल्व करना है और कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है आपको वो पता लग पाएगा। एट दी एंड एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, चैप्टर वाइज करना चाहते हो आप चैप्टर वाइज करो, जिसके अंदर आपको किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो नहीं चैप्टर वाइज नहीं करना, मुझे तो आप पूरा प्रिपेयर है अच्छे से, मैं केवल डायरेक्ट एग्जाम जैसा पेपर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हम एक लास्ट में ही 6th of December को ही एक सैम्पल पेपर सा निकालेंगे जिसके अंदर आप पेपर को एक बार अच्छे से पूरा देख पाओगे। जैसा पेपर आपका आएगा बिल्कुल बहुत सिमिलर उसका होने वाला है, वो आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पेपर देना है, किस तरीके की आपकी तैयारी हो चुकी है, ओके। ये थी बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने टॉपिक क्लियर कर रखे है, केवल रिविजन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कभी टॉपिक पढ़ा था लेकिन अब वो भूल चुके हैं और उनको एक बार दोबारा से टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम उनको करना है कि भाई वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने टॉपिक्स को क्लियर करो, अब वो 2x 3x जैसे भी आप चलाओ जल्दी से जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करो। जो टॉपिक आपको आते हैं आप उस पार्ट को स्किप करके थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन टॉपिक्स को आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो उनको पहले कवर करके सारे टॉपिक को क्लियर करो। जैसे ही आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर में से कैसे MCQ फ्रेम हो रहे हैं उसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो 50 MCQs का एक सीरीज़ बनाने का लॉजिक यही था कि उस चैप्टर से कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं आपको वो पता चल पाए। जैसे ही वो आप सॉल्व कर लोगे चैप्टर वाइज, 5 ही चैप्टर का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
फिर आप एक टेस्ट की तरह पांचों चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन का सॉल्व करना है आपको। उससे आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है आपको वो पता चलता रहेगा। जैसे ही वो आप सॉल्व करते हैं अपने डाउट्स को प्रिपेयर करो और 6 दिसंबर को जो 8 बजे लाइव सेशन होने वाला है उसमें अपने डाउट्स को मुझसे पूछो। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार थोड़ा सा रिविजन सा करना है और एट दी एंड फाइनल टेस्ट की तरह आपको अपना प्रिपेयर करके एक बार टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही होगा आपका रामबाण। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। तो जो अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि भाई सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलो। अब एक दिन में आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो आप क्या करो, सारे टॉपिक्स को कवर मत करो, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को कवर करो। पहले उन टॉपिक को कवर करो जो आपको आते हैं और उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करके हम खत्म कर सकते हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो आपका एक क्विक रिविजन सा हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि आपको वो टॉपिक आते हैं। अगर वो भी टॉपिक नहीं आते तो आप जो इजी टॉपिक्स है उनको एक बार गो थ्रू कर लो चैप्टर्स के थ्रू या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। तो उसमें जो भी टॉपिक्स को सेलेक्ट करो कि हाँ ये टॉपिक इजी है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, उनको पहले गो थ्रू करो और क्लियर करो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। उन वीडियो लेक्चर्स को देखो और केवल उन्हीं सेलेक्टिव टॉपिक्स को देखो जो आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक्स कवर करने के बाद एक MCQ सीरीज को सॉल्व करो। MCQ सीरीज आपके लिए तो बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि चैप्टर के अंदर बेशक से आपको कुछ ना पता हो लेकिन चैप्टर के जैसे जैसे MCQ सॉल्व करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा लग पाएगा कि चैप्टर से कैसे MCQ बनने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर एज इट इज भी आ जाए, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालूंगा कि आप इस MCQ प्रिपरेटरी सीरीज को जरूर जरूर करो। ये सीरीज सॉल्व करने के बाद आपको 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिल चुके हैं, जिनका आंसर नहीं पता वो भी आपको पता चल चुका है। तो आपका एक ना बहुत अच्छा बेस सा तैयार हो जाएगा, बल्कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था तब भी। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आप भी टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद जो भी दिक्कत आई और उस लाइव सेशन को अटेंड करो जो 6 दिसंबर 8 बजे होने वाला है। सारे दिक्कतों को मुझसे पूछो, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो बाकी बच्चे डाउट्स लेके आ रहे हैं उनको भी सुनो। तो आपका ना जो टॉपिक्स आपने नहीं भी कवर किए थे उनके डाउट्स के साथ साथ हो सकता है वो भी टॉपिक्स आपको अपने आप आ जाए। तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा 6 तारीख को ही, ठीक है। 6 तारीख की रात में आप एक फाइनल टेस्ट दे सकते हैं या 7 तारीख की सुबह में भी आप एक फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। हम एक कोशिश ये भी कर सकते हैं जिन भी बच्चों के डाउट्स थे एट द एंड, अगर एग्जाम पेपर सॉल्व करने के बाद भी डाउट आता है तो हम सुबह भी एक सेशन रख लेंगे लाइव, जिसके अंदर बाकी के बचे हुए डाउट्स को भी हम सॉल्व कर लेंगे। बस इतना ही था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही सारा कुछ हो जाता है एडिशनल लाइव सेशन का भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत लगी मुझे ज़्यादा बच्चों ने अप्रोच किया तो मैं मॉर्निंग में भी लाइव सेशन रखूँगा, जिसके अंदर बाकी के बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और ताकि आप अपना फाइनल पेपर अच्छे से दे पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।